नमस्कार, मैं डॉक्टर जया श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग BBAU लखनऊ, आज आपके समक्ष सामाजिक शोध की अवधारणा, प्रकृति एवं क्षेत्र, शोध के चरण एवं उसके प्रकार, चर एवं परिकल्पना, शोध की रूपरेखा, विश्वसनीयता एवं वैधता विषय पर चर्चा करूंगी। सर्वप्रथम मैं सामाजिक शोध की अवधारणा के बारे में बताऊंगी। शोध शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतर है। रिसर्च शब्द दो शब्दों क्रमशः री एवं सर्च से मिलकर बना है। री एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है पुनः, जबकि सर्च शब्द का अर्थ है अन्वेषण, खोज करना। इस प्रकार शोध शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुनः अन्वेषण, खोज करना। अतः सामान्य रूप से शोध का तात्पर्य ज्ञान के अन्वेषण या खोज से है। द एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश ऑक्सफर्ड के अनुसार शोध ज्ञान के किसी भी शाखा में नए तथ्यों की बहुत ही सावधानीपूर्वक खोज करने की प्रक्रिया है। अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के एक तरीके के रूप में शोध को परिभाषित किया जा सकता है। इस अध्याय में अभी तक शोध की चर्चा सामान्य रूप से की गई है। वास्तव में शोध की परिसीमा इतना विस्तृत है कि प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ सामाजिक विज्ञानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अतः अब विशेष रूप से सामाजिक शोध की चर्चा की जाएगी। सामाजिक शोध एक विस्तृत अवधारणा है जिसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किया जाता है। इस पृष्ठभूमि में PV यंग का कहना है कि सामाजिक शोध सामाजिक जीवन से संबंधित ज्ञान को खोजने, विश्लेषण करने एवं अवधारणा बनाने से संबंधित एक व्यवस्थित प्रविधि है जिनकी सहायता से ज्ञान को विस्तार, विश्लेषण एवं सत्यापित किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक शोध सामाजिक तथ्यों एवं सामाजिक जीवन से संबंधित व्यवस्थित ज्ञान की जाँच, सत्यापन एवं विस्तार से संबंधित है, जिसमें वैज्ञानिक विधियों यथा अवलोकन, उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण, विश्लेषण आदि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार PV यंग ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है जिसका उद्देश्य नए तथ्यों की खोज करना तथा पुराने तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच करना है। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य उनके मध्य क्रमों, अंतसंबंधों, कार्यकारण संबंधों की व्याख्या एवं विश्लेषण करना तथा उन्हें संचालित करने वाले नियमों के तार्किक एवं व्यवस्थित संरचनाओं की खोज करना है। एक सामाजिक शोधकर्ता का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य के व्यवहार एवं सामाजिक जीवन को समझना एवं उनको संचालित करने वाले नियमों की खोज करना होता है जिसकी सहायता से वे सामाजिक जीवन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकें। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक शोध द्वारा सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों की खोज, व्याख्या एवं वर्णन की जाती है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आप एक अखबार में संवाददाता हैं एवं आपको एक ग्राम विशेष में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीणों पर प्रभाव से संबंधित लेख लिखना है। तो लेख लिखने से पूर्व आपको निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर खोजना पड़ेगा। ग्राम की जनसंख्या कितनी है? उस गांव में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं? उस गांव में सरकार ने ग्रामीणों के लिए कितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं? उस गांव के कितने प्रतिशत लोग इन योजनाओं से परिचित हैं? उस गांव के कितने लोग उन योजनाओं से लाभान्वित हैं? उन योजनाओं के कारण ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के पीछे उनकी निरक्षरता एवं जागरूकता की कमी या प्रशासनिक अधिकारी तंत्र की उदासीनता है? हम उपरोक्त प्रश्नों की सूची में अन्य बहुत सारे प्रश्नों को जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कोई भी तथ्य एक अलग थलग आइसोलेटेड घटना नहीं होती, बल्कि एक तथ्य अनेक तथ्यों से जुड़ी हुई रहती है।
मोजर के अनुसार सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक शोध कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक शोध वस्तुतः सामाजिक शोधकर्ता द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रविधि है। बोगार्डस का कहना है कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक शोध है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक शोध एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रविधि है जिसकी सहायता से सामाजिक घटनाओं से संबंधित नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है अथवा विद्यमान एग्जिस्टिंग ज्ञान को विस्तृत या परिष्कृत किया जाता है तथा सामाजिक घटनाओं से संबंधित उपलब्ध सिद्धांतों की पुनः परीक्षा की जाती है। संक्षेप में सामाजिक शोध ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रविधि है जो अवलोकन वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है जिसके द्वारा न केवल अज्ञात सामाजिक घटनाओं को खोजा जाता है अपितु ज्ञात सामाजिक घटनाओं की भी विवेचना या विश्लेषण की जाती है। अब मैं सामाजिक शोध की प्रकृति एवं क्षेत्र बताऊंगी। सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक होती है परंतु सामाजिक शोध की वैज्ञानिक प्रकृति को समझने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान की अवधारणा को समझने के बाद ही सामाजिक शोध की प्रकृति को समझा जा सकता है। इस संबंध में स्टुअर्ट चेज का कहना है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है न कि किसी विशेष अध्ययन विषय से। इसे ग्रीन ने दूसरे शब्दों में परिभाषित करते हुए बताया है कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों का खोज करने वाले तरीके से लिया जाता है। बिसेंज ने बताया है कि विज्ञान एक पद्धति या उपागम है न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की मुख्य विशेषताएं हैं पक्षपात रहित एवं व्यवस्थित ढंग से तथ्यों का संग्रहण, वस्तुनिष्ठ अवलोकन, अनुभव सिद्ध ज्ञान, तथ्यों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से संग्रहण वर्गीकरण एवं सारणीयन, कार्यकारण संबंधों का ज्ञान, सिद्धांतों का निर्माण एवं पुनर्परीक्षण, भविष्यवाणी करने की क्षमता। विज्ञान की उपरोक्त सारी विशेषताओं से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सामाजिक शोध अपने प्रकृति से विज्ञान है। वस्तुतः सामाजिक शोधकर्ता पक्षपात रहित या तटस्थ रहकर सामाजिक घटना का अध्ययन करता है। इस क्रम में वह घटना का वस्तुनिष्ठ अवलोकन करता है। निदर्शन प्रश्नावली अनुसूची या अन्य प्रविधि की सहायता से संबंधित तथ्यों को संकलित करता है, तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध वर्गीकृत कर सारणीयन करता है, उनकी विश्लेषण एवं व्याख्या करता है, उनके मध्य कार्यकारण संबंधों का पता लगाता है, तथ्यों का सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्षों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं सत्यापन करता है जिसकी सहायता से भविष्य में होने वाले सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। अब मैं सामाजिक शोध के क्षेत्र पर प्रकाश डालूंगी। किसी भी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य उस विषय की सीमा से है जो यह बताता है कि वह विषय का क्षेत्र कहाँ से प्रारंभ और कहाँ तक अंत होता है। अतः वर्तमान समय में सामाजिक शोध के क्षेत्र का निर्धारण अत्यंत ही कठिन कार्य है। सामाजिक शोध में सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन अध्ययन के क्रम में मूल रूप से सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, परंतु वर्तमान में सामाजिक शोध से संबंधित प्रविधि उपकरण एवं तकनीकी इतने उन्नत हो चुके हैं
कि सामाजिक संबंधों के अमूर्त एवं परिवर्तनीय होने का शोध निष्कर्षों की वैज्ञानिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न विषयों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। प्रथम, अंतर सांस्कृतिक सर्वेक्षण, क्रॉस कल्चरल सर्वे एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन। सामाजिक संबंधों एवं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन में सबसे बड़ी कठिनाई उनका अमूर्त एवं उनके परिवर्तन की प्रवृत्ति का होना है। इनकी इन विशेषताओं के कारण इनका अध्ययन नियंत्रित रूप से प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में मानवीय संबंधों एवं क्रियाकलापों से संबंधित आंकड़ों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित करने का प्रयास येल विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक मानवशास्त्री जॉर्ज पी मोरडॉक ने किया था। मोरडॉक ने डब्ल्यू आई थॉमस की लेखनी से प्रेरित होकर समाज वैज्ञानिकों का एक दल बनाया एवं आदिम संस्कृतियों के अनेक समूहों से संबंधित आंकड़ों को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से एकत्र करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रत्येक आदिम सांस्कृतिक समूहों से प्राप्त सूचनाओं की एक अनुक्रमणिका अर्थात सूची बनाकर आउटलाइन ऑफ कल्चरल मटेरियल्स शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया। इस प्रकार प्रोफेसर मोरडॉक एवं उनके सहयोगियों के कार्य क्रमशः क्रॉस कल्चरल सर्वे एवं ह्यूमन रिलेशंस एरिया फाइल्स, सामाजिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं के निर्माण अर्थात सामाजिक शोध में मिल का पत्थर साबित हुए। क्रॉस कल्चरल सर्वे को 1945 एवं 1950 के बीच में संशोधित किया गया, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित 707 वर्गों का वर्गीकरण किया था। यह लेखन सामाजिक शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण स्रोत साबित हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक शोध के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों आदिम ऐतिहासिक समसामयिक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सामाजिक शोध के विभिन्न प्रविधियों एवं तकनीकों की सहायता से अंतर सांस्कृतिक तथ्यों सामान्यकरण सिद्धांतिकरण की जांच की जाती है। द्वितीय क्षेत्र, सामाजिक प्रवृत्तियों का अध्ययन, स्टडीज ऑफ सोशल ट्रेंड्स। विलियम एफ ऑगबर्न ने सामाजिक शोध की सहायता से सामाजिक घटनाओं की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है तथा अपने सांस्कृतिक एवं संस्थात्मक विलंबना कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल लैग की अवधारणाओं का अध्ययन किया है। उनका कहना है कि सामाजिक शोध के द्वारा किसी भी सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति एवं परिसीमा को मापा जा सकता है। उनके अनुसार विभिन्न समयांतरालों व्यवस्थित वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक तथ्यों के संग्रहण कर मानव विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की जांच की जा सकती है। उन्होंने बताया है कि सामाजिक शोध में मुख्य रूप से जनसंख्या, उत्पादन एवं उपभोग, रोजगार, श्रम एवं सामाजिक विधान, पारिवारिक जीवन, सामाजिक संस्थाओं, सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के सापेक्ष होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक शोध में सामाजिक व्यवहारों भविष्यवाणी से संबंधित अध्ययन भी किया जाता है। सामाजिक शोध के अंतर्गत सामाजिक व्यवहारों की वैज्ञानिक रूप से एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। अमेरिकी समाजशास्त्रियों की यह मान्यता है कि सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान को तभी महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब उसमें भविष्य में घटने वाली सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने एवं नियंत्रित करने की क्षमता हो। इस प्रकार सामाजिक शोध से सांख्यिकी के माध्यम से सामाजिक घटनाओं की सही भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि शोधकर्ता को किसी ग्राम विशेष के महिलाओं की साक्षरता दर, लिंगानुपात, राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागिता से संबंधित आंकड़े ज्ञात हैं, तो वह शोधकर्ता सरलता से उस ग्राम विशेष के महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति का सही आकलन एवं अनुमान लगा सकता है।
सामाजिक शोध में सामाजिक घटनाओं का नियंत्रित एवं प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया जाता है। यह सत्य है कि सामाजिक शोध में दीवारों से घिरी हुई प्रयोगशाला नहीं होती, परंतु यह भी सत्य है कि सामाजिक शोधकर्ता समाज को ही अपना प्रयोगशाला मानते हैं तथा विभिन्न तकनीकों, उपकरणों एवं प्रविधियों के द्वारा सामाजिक जीवन में भी विभिन्न प्रयोगों इंटरवेंशंस का उपयोग कर नियंत्रित अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शोधकर्ता के अध्ययन का विषय ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा की गुणवत्ता की प्रवृत्ति है, तो इसमें शोधकर्ता भारत में सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व एवं पश्चात शिक्षा की गुणवत्ता की प्रवृत्ति का प्रयोगात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन का अध्ययन सामाजिक शोध द्वारा किया जाता है। सामाजिक शोध में जनमत अध्ययन भी किया जाता है। सामाजिक शोध का उपयोग जनमत सर्वेक्षण के लिए भी किया जाता है। ज्ञात है कि जनमत सामूहिक व्यवहार की एक घटना है, जिससे कि सामान्य जनता के विचार, विश्वास एवं प्रवृत्तियों का पता लगता है। अतः प्रजातंत्र में सरकार निर्माण हो या किसी विशेष उत्पाद के लिए जनता के रुझान का पता लगाना हो, सामाजिक शोध अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक शोध का प्रयोग राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों में किया जाता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक शोध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसकी सहायता से सामाजिक जीवन के लगभग समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, चुनाव, मनोविज्ञान, प्रचार, नेतृत्व, मनोरंजन उत्पादों के चयन, नीति निर्धारण आदि। अब मैं सामाजिक शोध की प्रकृति एवं क्षेत्र बताऊंगी। सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, परंतु सामाजिक शोध की वैज्ञानिक प्रकृति को समझने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान की अवधारणा को समझने के बाद ही सामाजिक शोध की प्रकृति को समझा जा सकता है। इस संबंध में स्टुअर्ट चेज का कहना है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, न कि किसी विशेष अध्ययन विषय से। इसे ग्रीन ने दूसरे शब्दों में परिभाषित करते हुए बताया है कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों का खोज करने वाले तरीके से लिया जाता है। बिसेंज एवं बिसेंज ने बताया है कि विज्ञान एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री, जो विज्ञान की कसौटी है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की मुख्य विशेषताएं हैं पक्षपात रहित एवं व्यवस्थित ढंग से तथ्यों का संग्रहण, वस्तुनिष्ठ अवलोकन, अनुभव सिद्ध ज्ञान, तथ्यों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से संग्रहण, वर्गीकरण एवं सारणीयन, कार्यकारण संबंधों का ज्ञान, सिद्धांतों का निर्माण एवं पुनर्परीक्षण, भविष्यवाणी करने की क्षमता। विज्ञान की उपरोक्त सारी विशेषताओं से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सामाजिक शोध अपने प्रकृति से विज्ञान है। वस्तुतः सामाजिक शोधकर्ता पक्षपात रहित या तटस्थ रहकर सामाजिक घटना का अध्ययन करता है। इस क्रम में वह घटना का वस्तुनिष्ठ अवलोकन करता है। निदर्शन, प्रश्नावली, अनुसूची या अन्य प्रविधि की सहायता से संबंधित तथ्यों को संकलित करता है, तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध वर्गीकृत कर सारणीयन करता है, उनकी विश्लेषण एवं व्याख्या करता है, उनके मध्य कार्यकारण संबंधों का पता लगाता है, तथ्यों का सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्षों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं सत्यापन करता है, जिसकी सहायता से भविष्य में होने वाले सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक होती है।
अब मैं सामाजिक शोध के क्षेत्र पर प्रकाश डालूंगी। किसी भी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य उस विषय की सीमा से है, जो यह बताता है कि वह विषय का क्षेत्र कहाँ से प्रारंभ और कहाँ तक अंत होता है। अतः वर्तमान समय में सामाजिक शोध के क्षेत्र का निर्धारण अत्यंत ही कठिन कार्य है। सामाजिक शोध में सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन अध्ययन के क्रम में मूल रूप से सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, परंतु वर्तमान में सामाजिक शोध से संबंधित प्रविधि, उपकरण एवं तकनीकी इतने उन्नत हो चुके हैं कि सामाजिक संबंधों के अमूर्त एवं परिवर्तनीय होने का शोध निष्कर्षों की वैज्ञानिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न विषयों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। प्रथम, अंतर सांस्कृतिक सर्वेक्षण, क्रॉस कल्चरल सर्वे एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन। सामाजिक संबंधों एवं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन में सबसे बड़ी कठिनाई उनका अमूर्त एवं उनके परिवर्तन की प्रवृत्ति का होना है। इनकी इन विशेषताओं के कारण इनका अध्ययन नियंत्रित रूप से प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में मानवीय संबंधों एवं क्रियाकलापों से संबंधित आंकड़ों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित करने का प्रयास येल विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक मानवशास्त्री जॉर्ज पी मोरडॉक ने किया था। मोरडॉक ने डब्ल्यू आई थॉमस की लेखनी से प्रेरित होकर समाज वैज्ञानिकों का एक दल बनाया एवं आदिम संस्कृतियों के अनेक समूहों से संबंधित आंकड़ों को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से एकत्र करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रत्येक आदिम सांस्कृतिक समूहों से प्राप्त सूचनाओं की एक अनुक्रमणिका अर्थात सूची बनाकर आउटलाइन ऑफ कल्चरल मटेरियल्स शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया। इस प्रकार प्रोफेसर मोरडॉक एवं उनके सहयोगियों के कार्य क्रमशः क्रॉस कल्चरल सर्वे एवं ह्यूमन रिलेशंस एरिया फाइल्स, सामाजिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं के निर्माण अर्थात सामाजिक शोध में मिल का पत्थर साबित हुए। क्रॉस कल्चरल सर्वे को 1945 एवं 1950 के बीच में संशोधित किया गया, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित 707 वर्गों का वर्गीकरण किया था। यह लेखन सामाजिक शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण स्रोत साबित हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक शोध के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों, आदिम ऐतिहासिक समसामयिक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सामाजिक शोध के विभिन्न प्रविधियों एवं तकनीकों की सहायता से अंतर सांस्कृतिक तथ्यों सामान्यकरण सिद्धांतिकरण की जांच की जाती है। द्वितीय क्षेत्र, सामाजिक प्रवृत्तियों का अध्ययन, स्टडीज ऑफ सोशल ट्रेंड्स। विलियम एफ ऑगबर्न ने सामाजिक शोध की सहायता से सामाजिक घटनाओं की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है तथा अपने सांस्कृतिक एवं संस्थात्मक विलंबना कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल लैग की अवधारणाओं का अध्ययन किया है। उनका कहना है कि सामाजिक शोध के द्वारा किसी भी सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति एवं परिसीमा को मापा जा सकता है। उनके अनुसार विभिन्न समयांतरालों व्यवस्थित वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक तथ्यों के संग्रहण कर मानव विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की जांच की जा सकती है। उन्होंने बताया है कि सामाजिक शोध में मुख्य रूप से जनसंख्या, उत्पादन एवं उपभोग, रोजगार, श्रम एवं सामाजिक विधान, पारिवारिक जीवन, सामाजिक संस्थाओं, सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के सापेक्ष होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक शोध में सामाजिक व्यवहारों भविष्यवाणी से संबंधित अध्ययन भी किया जाता है। सामाजिक शोध के अंतर्गत सामाजिक व्यवहारों की वैज्ञानिक रूप से एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। अमेरिकी समाजशास्त्रियों की यह मान्यता है
कि सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान को तभी महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब उसमें भविष्य में घटने वाली सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने एवं नियंत्रित करने की क्षमता हो। इस प्रकार सामाजिक शोध से सांख्यिकी के माध्यम से सामाजिक घटनाओं की सही भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि शोधकर्ता को किसी ग्राम विशेष के महिलाओं की साक्षरता दर, लिंगानुपात, राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागिता से संबंधित आंकड़े ज्ञात हैं, तो वह शोधकर्ता सरलता से उस ग्राम विशेष के महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति का सही आकलन एवं अनुमान लगा सकता है। सामाजिक शोध में सामाजिक घटनाओं का नियंत्रित एवं प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया जाता है। यह सत्य है कि सामाजिक शोध में दीवारों से घिरी हुई प्रयोगशाला नहीं होती, परंतु यह भी सत्य है कि सामाजिक शोधकर्ता समाज को ही अपना प्रयोगशाला मानते हैं तथा विभिन्न तकनीकों, उपकरणों एवं प्रविधियों के द्वारा सामाजिक जीवन में भी विभिन्न प्रयोगों, इंटरवेंशंस का उपयोग कर नियंत्रित अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शोधकर्ता के अध्ययन का विषय ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा की गुणवत्ता की प्रवृत्ति है, तो इसमें शोधकर्ता भारत में सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व एवं पश्चात शिक्षा की गुणवत्ता की प्रवृत्ति का प्रयोगात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन का अध्ययन सामाजिक शोध द्वारा किया जाता है। सामाजिक शोध में जनमत अध्ययन भी किया जाता है। सामाजिक शोध का उपयोग जनमत सर्वेक्षण के लिए भी किया जाता है। ज्ञात है कि जनमत सामूहिक व्यवहार की एक घटना है जिससे कि सामान्य जनता के विचार, विश्वास एवं प्रवृत्तियों का पता लगता है। अतः प्रजातंत्र में सरकार निर्माण हो या किसी विशेष उत्पाद के लिए जनता के रुझान का पता लगाना हो, सामाजिक शोध अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक शोध का प्रयोग राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों में किया जाता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक शोध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसकी सहायता से सामाजिक जीवन के लगभग समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, चुनाव, मनोविज्ञान, प्रचार, नेतृत्व, मनोरंजन उत्पादों के चयन, नीति निर्धारण आदि। अब मैं प्राकल्पना पर प्रकाश डालूंगी। प्राकल्पना सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण चरण है। शोध प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता द्वारा शोध के निष्कर्षों के संबंध में जो अनुमान लगाया जाता है, उसे प्राकल्पना के नाम से जाना जाता है। एक शोधकर्ता अपनी दूरदर्शिता, प्रतिभा, सूझबूझ एवं अनुभवों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण करता है। यह शोध विषय के निष्कर्षों का शोध प्रारंभ करने से पहले कामचलाऊ व्याख्या करता है। कर्लिंचर के अनुसार प्राकल्पना अनुमान से कहा गया वह कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों को बताता है। पीवी यंग का कहना है, एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यकारी प्राकल्पना के नाम से जाना जाता है। लुंडबर्ग ने बताया है कि एक प्राकल्पना एक सामयिक या कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसके वैधता की जांच शेष रहती है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राकल्पना एक काल्पनिक एवं तर्कसंगत विचार है जो शोध के दौरान सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं की खोज करने एवं विभिन्न चरों में कार्यकारण संबंधों का पता लगाने का आधार बनती है। सामाजिक जीवन से संबंधित जो शोध किए जाते हैं, उनकी एक या एक से अधिक प्राकल्पनाएं हो सकती हैं। प्राकल्पना के स्रोत। प्राकल्पना को शोधकर्ता अपने व्यक्तिक अनुभवों या बाह्य स्रोतों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर बना सकता है। अकादमिक जगत में अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपने व्यक्तिक
अनुभवों के आधार पर समाज विज्ञानियों ने विश्व स्तरीय सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन किया है। इसके अतिरिक्त प्राकल्पना का बाहरी स्रोत कोई भी सिद्धांत, विचार, सामान्य संस्कृति, विज्ञान, उपन्यास, नाटक, लेख अथवा प्रतिवेदन हो सकता है। अब मैं प्राकल्पना की विशेषताएं बताऊंगी। एक प्राकल्पना में सरलता, विशिष्टता एवं अवधारणात्मक स्पष्टता का गुण होना चाहिए। प्राकल्पना उपलब्ध ज्ञान भंडार एवं प्रविधियों से संबंधित होना चाहिए। प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसकी प्रामाणिकता की जांच अनुभवाश्रित रूप से की जा सके। अब मैं शोध की रूपरेखा बताऊंगी। सामाजिक शोध प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता संपूर्ण शोध प्रक्रिया की एक रूपरेखा तैयार करता है। शोध को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए एक कार्य योजना, संरचना तथा रणनीति की जरूरत होती है। शोध की रूपरेखा को समाज विज्ञानी शोध अभिकल्प भी कहते हैं। शोध की रूपरेखा द्वारा शोधकर्ता किसी विशेष समस्या या समाज के किसी विशेष पहलू के बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस प्रकार शोध की रूपरेखा शोधकर्ता को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। शोध की रूपरेखा निर्माण शोध विषय एवं प्राकल्पना के आधार पर करता है। संक्षेप में, यह शोध संबंधी संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाकर संपूर्ण शोध कार्य को आसान बनाता है। विश्वसनीयता की अवधारणा। विश्वसनीयता शब्द का प्रयोग हम हमेशा अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यदि हम यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति विश्वसनीय है, तो इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार एवं स्थिर होता है तथा उसके व्यवहारों की भविष्यवाणी की जा सकती है। शोध कार्य में भी शोध उपकरणों की विश्वसनीयता का समान अर्थ होता है। यदि शोध के उपकरण स्थिर, निरंतर एवं भविष्यवाणी करने के योग्य होते हैं, तो उन्हें विश्वसनीय शोध उपकरण कहा जाता है। शोध उपकरण से तात्पर्य प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची से है। अब मैं वैधता के बारे में बताऊंगी। वैधता से तात्पर्य शोध के उपकरण की उस योग्यता अथवा क्षमता से है जो वास्तव में उन चरों का मापन करता है जिसके लिए उस उपकरण की रचना की गई है।